उच्चतम न्यायालय ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख से जुड़े मामले में प्रधानमंत्री को पक्ष बनाने की याचिका खारिज की। सिलसिलेवार धमाकों की घटना के बाद केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने हालात की समीक्षा के लिए किया पटना का दौरा। कहा कि इस वारदात में पहले ही दिन की गई गिरफ्तारी और मामले में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रहे हैं तफ्तीश। रविवार को पटना में हुए विस्फोटों पर केंद्र की सूचना पर पैदा हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि इस मामले में कोई प्राथमिक अलर्ट नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक ने की रेपो रेट में 25 बेसिस अंकों की वृद्धि। नकद आरक्षित दर में नहीं किया कोई बदलाव। रघुराम राजा ने जीडीपी विकास दर 5% तक रहने की उम्मीद जताई। कहा मुद्रास्फीति की दर 9% से ज्यादा रहेगी। एयर मार्शल अरूप राहा होंगे देश के नए वायुसेना प्रमुख। मौजूदा वायुसेना अध्यक्ष एनएके ब्राउन 31 दिसंबर को हो रहे हैं रिटायर। दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर की न्यायिक हिरासत 12 नवंबर तक बढ़ाई गई। सीबीआई ने शुक्रवार को करीब 6 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद नागर को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों पर गोलीबारी करके संघर्ष विराम का किया उल्लंघन। भारतीय सेनाओं ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। इस वर्ष जम्मू और कश्मीर में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान अब तक 150 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है। शेयर बाजार ने दीपावली से पहले ही देखी आतिशबाजी। सेंसेक्स 359 अंक की जोरदार बढ़त के साथ 20,929 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 120 अंकों का जबरदस्त उछाल, 6,221 पर हुआ बंद। उत्तर पश्चिम यूरोप में आए भारी तूफान से कम 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 की मौत जर्मनी में और 4 की मौत दक्षिण ब्रिटेन में हुई। हीथ्रो हवाई अड्डे पर 130 उड़ानों को रद्द किया गया। ताज़ा आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत ने अपना नंबर एक का स्थान बरकरार रखा। ऑस्ट्रेलिया को भारत को नंबर एक से हटाकर खुद शीर्ष पर काबिज होने के लिए श्रृंखला को 6-1 या इससे बेहतर अंतर से जीतना था, लेकिन दो मैच बारिश की भेंट चढ़ने के कारण ये मुमकिन नहीं हो पाया। विश्व स्ट्रोक दिवस आज। मस्तिष्क घात यानी लकवे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के मकसद से किया जाता है इस दिवस का आयोजन।